हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर जो भी आपके इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं उसके हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस चैनल इज़ अ वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। उम्मीद करता हूँ कि जितने वीडियो अपलोड होते हैं सबको आप बिगनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखते होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड का जो फायर इशू मामला है, ठीक उत्तराखंड में जो जंगलों में आग लगी हुई है ये मामला क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ बिगनिंग से लेकर एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शिव तिवारी और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस, और अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और अभी इस कोरोना बीमारी से बचने के लिए सबसे जरूरी और सेफ यही है कि आप ई लर्निंग पे फोकस करें। उसके लिए आपको क्या करना है कि अनअकैडमी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। और दूसरा, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 30+ कोर्सेस अवेलेबल हैं। गोल को सिलेक्ट करने के बाद आप अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके आप अनलिमिटेड लाइव लेक्चर्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा गाइज, इस चैनल से रिलेटेड कोई अपडेट पाना है आपको तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10, जिस पर आपको रेगुलर अपडेट मिल जाया करेंगे। और गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 5400 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। बट डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा और मेरा कोड याद रखिएगा SKT LIVE। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 6480 रुपये का, ठीक है। तो यू आइदर गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। डिस्काउंट पाने के लिए ये कोड यूज करना मत भूलिएगा और मेरा कोड याद रखिएगा SKT LIVE, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर। तो आपने कुछ महीने पहले एक सुना होगा अमेजन का बुश फायर इशू, जो ऑस्ट्रेलिया के में जंगलों में आग लगी हुई थी। बुश फायर का मामला जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों का था, बहुत से लोगों ने, हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उसके लिए प्रार्थनाएं की। बाद में फिर पानी बरसा, रेन हुई और वो जो आग बुझ पाई, ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से वहां पर पूरा प्रयास किया गया लेकिन बुश फायर जो थी जंगलों की आग नहीं बुझाई जा सकी, ठीक है। कई जगह पर ये जो मामले होते हैं कुछ नेचुरली होते हैं लेकिन मैक्सिमम जो केसेस होते हैं आग के वो इंटेंशनली यानी कि माने जाते हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर के कारण, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है और उस वजह से ये आगजनी की घटनाएं घटती हैं जंगलों में। इस बार भी बहुत सारे लोगों का ये मामला है कि कहीं ना कहीं वन विभाग की कोई कमी है। वन विभाग ने फिलहाल ऐसा कुछ नहीं बताया है। ये मामला आप ज़्यादा मीडिया पर नहीं देख रहे होंगे, ठीक है, मीडिया पर ये मामला नहीं आया है। उसका मैं कारण नहीं बता सकता कि मीडिया पर ये कंसर्न क्यों नहीं क्रिएट किया गया, लेकिन कुछ आप सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे फोटो जरूर दे सकते हैं उत्तराखंड के इस फॉरेस्ट फायर के मामले के। तो ये बताया जा रहा है, जो सोशल प्लेटफॉर्म से कुछ जानकारी मिली है वो मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मामला है आग का, ये लगभग 4 दिनों से चल रहा है और लगभग अभी तक पिछले 4 दिनों में 50 एकड़ या उससे ज़्यादा, कुछ डाटा में 70 एकड़ बोला गया है, लगभग 50 एकड़ या 70 एकड़ जो जंगल है वो जल करके राख हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक मीडिया में इसका कोई भी, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी ऑफिशियल इस तरह का कोई नोटिस या कोई डाटा या न्यूज़ नहीं दी गई है, ठीक है। दूसरा, उन्होंने बोला कि अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जो इंडिया को अभी पिछले 10 दिनों में हिट की है। एक आपने पढ़ी थी साइक्लोन एम्फन, जिसने बंगाल के बहुत से क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया, लगभग 5000 घरों को उजाड़ दिया, ठीक है। और दूसरा, उड़ीसा को भी बहुत नुकसान पहुंचाया, सरकार ने वहाँ पर बहुत सारे फंड भी इशू किए। वेस्ट बंगाल के लिए 1000 करोड़ दिया गया और उड़ीसा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 500 करोड़ दिया गया, ठीक है। उन्होंने बोला है कि लगभग जो छोटी मोटी घटनाएं देखी जाए तो लगभग 21 ऐसे मामले हैं जो रजिस्टर किए गए हैं, ठीक है, कुमायूं और गढ़वाल रीजन में। लेकिन अभी भी राज्य सरकार या वन विभाग की तरफ से इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, ठीक है। और उन्होंने, और यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने बहुत से वीडियोस और फोटोज सोशल प्लेटफॉर्म पर डाली हुई है कि अथॉरिटीज को प्रयास किया जाना चाहिए, सरकार को जागना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और कुछ देखो, आपको मैंने बताया था कुछ लोकेशन बोला गया 50 हेक्टेयर्स, और कुछ जगह पर ज़्यादा भी बोला गया है कि लगभग इतना जंगल जल करके राख हो चुका है जिससे फौना और फ्लोरा दोनों का बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये एक नॉर्मल पॉइंट मैंने लिया है कि समडे द होल मदर नेचर विल बी नो मोर।
अमेजन फायर का इशू आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन का जो बुश फायर का इशू था, ये तो बहुत ही बड़ी आग की घटना थी, ठीक है। और अब ये उत्तराखंड का जो मामला है इस समय जो चल रहा है, ठीक है, तो बहुत कहीं ना कहीं वनस्पति और जीव प्राणी का बहुत बड़ा ये नुकसान है, ठीक है। और इट्स टाइम टू अडॉप्ट द पीस ऑफ नेचर, तो अब ये जरूरी है कि आपने प्रकृति में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी होगी, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली बात है कि आप अगर आप नेचर को इंटरफियर करेंगे तो नेचर जरूर आपको तंग और परेशान करेगा। अच्छा, अब ये जो कंप्लेंट्स हैं इसके बारे में देखो, अगर हम जाते हैं तो मैनी कंप्लेंट दैट फॉरेस्ट फायर हैव नॉट बीन एक्सटेंसिवली कवर्ड आर प्रेइंग, तो ये बोला गया है कि कहीं ना कहीं ये जो उत्तराखंड का आग का मामला है इस पर प्रॉपर प्रयास नहीं किया गया, प्रॉपर फोकस नहीं किया जा रहा है, ना तो ये मीडिया पर कहीं जगह है, ना ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल इस तरह का कोई न्यूज़ दिया गया है कि हाँ ये कोई मामला है जो ज़रूर आया है। क्योंकि अगर इस पर अटेंशन किया जाता तो कहीं ना कहीं ये मामला इतना हाईलाइट नहीं होता और लोग कुछ ना कुछ प्रयास ज़रूर करते, ठीक है। तो ये जो उत्तराखंड है इसको देवों की भूमि बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर बहुत बड़ा जंगलों का पार्ट पाया जाता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करने जाएं, अगर जंगलों की आग लगी हुई है तो वाइल्ड लाइफ का और नेचुरल रिसोर्सेज का ये बहुत बड़ा लॉस है। कुछ लोगों का ये भी कंप्लेन है कि कुछ अधिकारी वहाँ पर पहले से जमीन जो जंगल की लकड़ियाँ हैं उनको बेच देते हैं, बाद में उस मामले को कहीं ना कहीं छिपाने के लिए जंगलों में इंटेंशनली आग लगाई जाती है। तो ये लोगों के इस तरह के जो हैं वो मतलब आरोप हैं, इन आरोपों में कितनी सफाई है वो बाद में पता चलेगा जब ऑफिशियल कोई डाटा आता है, ठीक है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 2 लोग हैं जो अभी तक अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं इस आग की वजह से, और 1 या 2 लोग हैं जो इंजर्ड भी हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जरा बाकी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। तो ऑफिशियल ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो ड्राई वेदर की कंडीशन होने की वजह से, क्योंकि कुछ लोकेशन पर जो लॉकडाउन था अभी अभी स्ट्रिक्ट ना रह करके थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में छूट दी गई, जिससे बहुत से लोग हैं जो अपने गाँव में आ रहे हैं और लोगों के गाँव में वापस आने की वजह से ये जो आगजनी की घटनाएँ हैं बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरा, जो उत्तराखंड का फॉरेस्ट फायर से उन्होंने ये बोला है कि ये जो कारण है ये सबसे बड़ा ये है कि पिछले कुछ हफ्ते से दिनों से जो मरकरी है वो बढ़ती चली जा रही है, तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ मरकरी होने की वजह से ये जो जंगलों में है ये आग बढ़ती चली गई। अब देखो जरा, हम उत्तराखंड का जो वन विभाग है उनका स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो उनका स्टेटमेंट दिखा देते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का अभी तो कोई कंफर्म ऐसा नहीं आया है कि कोई भी इस तरह की घटना हुई है, लेकिन जो डॉक्टर पराग मधुकर है उन्होंने ये बोला है, जो कंजर्वेटर इन द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने बोला कि अभी तक कोई ऐसा बहुत बड़ी घटना नहीं आई उत्तराखंड में, ठीक है। और उन्होंने दूसरा बोला कि जो मीडिया पर चीज़ें शेयर हो रही है वो बहुत पुरानी है और ये झूठी खबरें हैं, और उन्होंने ये भी बोला कि कुछ जगह पर बारिश भी हुई है, तो इस तरह की कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है, जो पुरानी फोटो शेयर हो रही, वीडियो शेयर हो रही वो पुरानी और वो सभी झूठे हैं। तो ये तो अब नहीं कहा जा सकता, जब प्रॉपर चीज़ें सामने आएंगी तभी पता चलेगा कि मामला एक्चुअल में क्या है। तो आशा करता हूँ कि दोस्त कि जितने भी आप वीडियोस अपलोड हो रहे हैं इस चैनल पर आप सभी देखते होंगे और अपने जो आपके सोशल फ्रेंड हैं उन पर आप शेयर करते होंगे, और अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियोज़ कैसे लगते हैं, और प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप जिस पर आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। और गाइज, अगर आप अनअकैडमी के प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, मेरा कोड है SKTLIVE। अभी मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है प्लस पर, तो जितने भी बच्चे SBI, IBPS, RBI असिस्टेंट और LIC के लिए सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मोर देन 30+ और मोर देन 4+ क्विजेस इसमें मैंने रखी हुई हैं। कल 20th मई से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आपका 30 जून तक जाएगा। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ आप उस कोर्स के लिए एनरोल जरूर कीजिए, और एनरोल करते समय मेरे इस कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट के लिए, जो है SKTLIVE। Thank you so much for watching this video.